हाय गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे AWS Amazon वेब सर्विसेज के थ्रू हम लोग वीडियो को स्ट्रीम करते हैं, जैसे कि Amazon, Netflix, Hotstar, ये सब जो वीडियो की स्ट्रीमिंग करते हैं ये हम लोग कैसे करते हैं। ओके गाइस, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको अपने AWS अकाउंट में लॉगिन करना होगा, जैसे कि मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। गाइस, लॉगिन हो जाने के बाद मुझे यहाँ पे S3 सर्च करना होगा। गाइस, जैसे ही मैं S3 सर्च करता हूँ तो यहाँ पे S3 का सेक्शन आता है। मुझे यहाँ पे एक नई बकेट क्रिएट करनी होगी, तो क्रिएट बकेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी बकेट का नाम देता हूँ। रीज़न मैं मुंबई रखता हूँ, देन नेक्स्ट करता हूँ। गाइस, मैं डायरेक्टली क्रिएट बकेट करता हूँ। ओके, तो क्रिएट हो जाती है बकेट अपनी। यहाँ पे देखिएगा, बकेट क्रिएट हो गई। बकेट क्रिएट हो जाने के बाद मैं बकेट पे एंटर करूँगा। बकेट में एंटर करने के बाद मुझे परमिशंस देखनी होगी कि मेरी परमिशंस पब्लिक होनी चाहिए, जो कि मेरी परमिशंस ब्लॉक हैं। तो मैं इनको सबसे पहले पब्लिक करता हूँ अपनी बकेट को, क्योंकि मैं इनिशियली अभी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा हूँ उस बकेट पर। तो मैं इसे पब्लिक करता हूँ। गाइस, जब बकेट पब्लिक हो जाती है तो मैं ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा और मैं अपनी बकेट में एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसे हम लोग स्ट्रीम करके देखेंगे। तो अपलोड, कोई मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड करता हूँ इसमें। इसका ये 154 MB का है, तो वैसे अपलोड करते हैं। तो गाइस, जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है, अपलोड हो जाता है, तो हम इसे पब्लिक कर देंगे। एक्शन, देन मेक पब्लिक, तो ये पब्लिक हो जाता है। गाइस, इसके बाद हम अपने होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद हम क्लाउड फ्रंट सर्च करेंगे। क्लाउड फ्रंट, तो हम क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना होगा। तो हम क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट, सिलेक्ट डिलीवरी मेथड फॉर योर कंटेंट, तो हम लोग ये ऊपर वाला वेब के लिए चूज़ करेंगे। तो गेट स्टार्टेड, ओरिजिनल डोमेन नेम में जो आपकी बकेट है उसको चूज़ करना है। तो ये रहा, ओरिजिनल पाथ आप चूज़ ना करें तब भी चलेगा। ओरिजिनल इंक्लाइन डेटा हब, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओरिजिनल कंटेंट, हेडर नेम, आई डायरेक्ट आप क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ कर सकते हैं। देन क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में है। इसे थोड़ा सा वक्त लगेगा स्टार्ट होने में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे स्टेटस दिखेगा। गाइस, यहाँ आप देखेंगे कि ये कम्प्लीटली डिप्लॉयड हो गया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन आईडी है, क्या इसका डोमेन है, एवरीथिंग। ओके, सो गाइस, क्या करना होगा हमको, इसका नेम कॉपी करना होगा। इसका नेम कॉपी करने के बाद हमें गूगल के न्यू टैब पे पुट करना होगा। देन स्लैश,
मेरे S3 बकेट के अंदर जाके मुझे इसका नेम चाहिए होगा, मुझे इसका क्या नाम है, तो इसका नाम यहाँ पे है जो कि मैं ये लेता हूँ, देन यहाँ पे पुट करना होगा और मैं एंटर करूँगा। तो गाइज देखिए यहाँ पे स्ट्रीमिंग हाय स्टार्ट हो गाइस, गई है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने हेलो। प्रोजेक्ट को गिटहब पर कैसे पुश कर सकते हैं। तो गाइज इस टाइप से आप डायरेक्टली स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इस URL को डायरेक्टली किसी भी ऐप में पुट कर सकते हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, किसी भी प्लेयर में पुट कर सकते हैं, आपके एंड्रॉयड ऐप पे रन कर सकते हैं। तो गाइज ऐसे हम लोग डायरेक्टली स्ट्रीमिंग करते हैं अपनी वीडियोस को। देन ओके गाइज थैंक यू। यदि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि किसी को इस टाइप के वीडियोस की नीड है तो उसके साथ साथ शेयर करें लिंक। ओके गाइज थैंक यू, बाय।